ये क्वेश्चन जो आया हुआ था वो इनवॉल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा था, ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन होता बेटा, तो 10 1/4 थीटा दिया हुआ है, समथिंग जो दिया गया है, तो 10 थीटा/4 है ये, ठीक है ना। हम बात करने जा रहे हैं 10 थीटा/4 की बेटा। तो थीटा/4 है और इसकी वैल्यू जो दी गई है वो साइन, इसको थीटा माना है बेटा हमने, क्या माना है, थीटा माना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से एक्चुअल में आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाता है √63/8 आ जाता है। मतलब अगर हम एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म कर दें और ये थीटा है, तो इसका मतलब ये √63 है और ये 8 है। तो अगर हम देखें तो इसके लिए क्या जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए, ठीक है ना, ऐसे ही कुछ होगा। तो अगर हम बात करें 10 थीटा/4 की, तो 10 थीटा/4 को अगर हम चाहें तो कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं क्या, 1 − cos θ/2 / sin θ/2 / 4 के फॉर्म में होता। तो ये फॉर्मूला हो सकता है इसका, क्योंकि यहाँ पे आ गया आपके पास 2 sin²θ/4 और यहाँ आएगा 2 sin θ cos θ/2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 10 θ/4 हो जाएगा। अभी एक्चुअल में मुझे मूव करना है थीटा के ऊपर, तो थीटा को फॉर्म मूव करने के लिए 1 − cos θ/2 की जगह हम लिख सकते हैं 1 + cos θ/2 लिख सकते हैं, और डिवाइड बाई sin θ/2 की जगह लिख सकते हैं √1 − cos θ/2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद सिंपल सा सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, तो cos थीटा आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/8, तो यह आएगा 1 − √1 + 1/8/2 और डिवाइड बाई √1 − 1/8/2 मिल जाएगा। कैलकुलेट कर देते बेटा, तो ये आएगा 1 − यहाँ आएगा 9/8 मतलब 16, मतलब ये आएगा 3/4 और ये आएगा 8 − 1 7/16 आएगा, तो √7/4 हमने कर दिया 4, तो ये आ गया 1/4/1/2, तो मतलब इसका आंसर मुझे लगता है कि 1/√7 आ जाना चाहिए था। तो ये इसका आंसर आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख लें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें थोड़ा, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था और यहाँ पे जो ब्रैकेट का यूज़ किया गया था वो GIF फंक्शन है, ठीक है ना। चलिए तो इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि कैसे इसे सॉल्व करना होगा। तो इंटीग्रेशन में आपके पास है 1, 2, 3 दिया गया है और ब्रैकेट में दिया गया x²−2x − 2 दिया गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं बेटा, इसे कंप्लीट होल स्क्वायर भी बना सकते हैं और माइनस का 3 कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि किसी भी नंबर और इंटीजर के साथ का अगर केस किया जाएगा तो इसको हम कुछ स्प्लिट कर सकते हैं। ये आएगा 1, 2, 3 और ये आएगा ब्रैकेट में x − 1 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 3 अलग हो सकता है और dx हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो वैल्यू आ रही है ये एक्चुअल में कुछ ऐसी आएगी बेटा, माइनस का 3 हो गया और इसको तो अलग कर सकते हैं, ये 3x हो गया, ठीक है ना, और ये आ गया 1 से 3 आ गया माइनस। इस ब्रैकेट के बारे में बात करें बेटा, अगर x − 1 को t मान लिया जाए, देखिएगा x − 1 को अगर t मान लिया तो dx इज इक्वल टू आपको dt मिल जाएगा। तो इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी लिमिट जो है वो 0 से 2 तक जाएगी और ये ब्रैकेट में t²dt हो जाएगा, ठीक ना। अब ब्रैकेट के जो क्वेश्चन हैं वो हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस में बहुत सारे सॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने का आसान सा तरीका होता है कि अगर मान लीजिए माइनस का 3 है ये और 3 − 1 बेटा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब इसे हम 6 लिख सकते हैं, −6 माइनस, इसे ब्रैकेट में ब्रेक कर लेते, ठीक है, ये 0 से 1 कर लिया और ब्रैकेट के अंदर कर दिया t²dt हो गया, फिर +1 से √2 पे स्प्लिट करेंगे बेटा, ब्रैकेट t² हो गया, dt हो गया, +√2 से √3 स्प्लिट करेंगे क्योंकि इंटीजर में ब्रेक करना है, t²dt हो गया और प्लस का √3 से लेकर के √4 तक मतलब 2 तक स्प्लिट करेंगे और ब्रैकेट में t²dt हो गया। अब आ जाएगी वैल्यू ये माइनस का 6 आएगी माइनस, अब आप लोग को लोअर लिमिट सब्सटीट्यूट करनी हो तो 0 आ जाएगा, ये 0 हो गया, यहाँ पे पुट किया तो 1 आ गया, तो 1 का और फिर बच क्या गया बेटा dt का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा √2 − 1 आ जाएगा प्लस, अब यहाँ लोअर लिमिट अप्लाई किया तो √2 का स्क्वायर मतलब 2 आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा और बच क्या जाएगा dt बच जाएगा, dt का इंटीग्रेशन √3 − √2 हो गया,
प्लस, अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये थ्री आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा टू माइनस का रूट सी आ जाएगा, तो ये आएगा माइनस का सिक्स आएगा माइनस। देखते हैं बेटा यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए थी वाई की रूट टू और माइनस का टू रूट टू है, तो माइनस का टू रूट टू और मतलब माइनस का रूट टू आ जानी चाहिए, और टू रूट सी है और यहाँ पे देखा जाए तो टू थ्री रूट सी, तो माइनस का रूट सी आ जाएगा। यहाँ से माइनस वन है और यहाँ से प्लस का सिक्स है, तो प्लस का फाइव आ जाना चाहिए, ठीक है ना, प्लस का फाइव आ जाएगा, सिक्स और माइनस वन फाइव आ जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप से केस आपके बनते हुए दिख रहे होंगे, और चेक कर लीजिएगा एक बार, ये जो वैल्यू है टू रूट थ्री और ये आएगा थ्री रूट टू आ जाएगा, ठीक है ना, थ्री और रूट थ्री मतलब थ्री रूट थ्री पॉजिटिव आना चाहिए, सॉरी ये पॉजिटिव पॉजिटिव आना चाहिए था, ये पॉजिटिव आएगा, और ये टू रूट टू और यहाँ पे रूट टू है प्लस का, टू रूट टू माइनस का है और यहाँ पे रूट टू है, तो यहाँ पे आएगा माइनस माइनस का आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इस टाइप से केस बनता हुआ दिखेगा, कैलकुलेशन देख लीजिएगा, ठीक है ना। और इसके बाद अगर हमें इसे कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे वैल्यू जो आनी चाहिए थी वो वैल्यू मुझे कुछ ये सिक्स हो गया है, टू माइनस रूट थ्री सिक्स हो गया, यहाँ पर आ गया है माइनस का वन, क्योंकि रूट टू माइनस वन हो जाएगा, तो सिक्स माइनस वन फाइव हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये सारी वैल्यू जो थी ये माइनस में थी, ठीक है ना, सॉरी ये गलत लिख दिया, यहाँ पे प्लस में वैल्यू थी, ठीक है ना, ये वैल्यू क्या थी, प्लस में थी बेटा, और ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा और ये प्लस में आएगा, ठीक है ना। तो अब देखते हैं माइनस का थ्री रूट थ्री और यहाँ पे था टू रूट थ्री, तो मतलब ये भी माइनस का है, ठीक है ना। तो अब ये वैल्यू जो आएगी वो माइनस का आएगी, माइनस का वन माइनस का रूट टू और माइनस का रूट थ्री आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये साइन का डिफरेंस था, अदरवाइज बाकी सारे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट देख लें, बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कॉनिक हैज टेंजेंट दिस एट द पॉइंट दिस, ठीक ना, मतलब आपको कॉनिक के बारे में बात की गई थी, कॉनिक की टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी, यहाँ पे कॉनिक तो दिया नहीं गया था, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग को क्या करना होता है, इसके ऑप्शंस को चेक करना पड़ता है बेटा, तो हम लोग ऑप्शंस चेक करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमने फर्स्ट ऑप्शन लिया और इसको चेक किया कि मान लीजिए आपके पास एक्स स्क्वायर है प्लस का नाइन वाई स्क्वायर है इज इक्वल टू नाइन दिया गया है, ठीक है, तो आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, उससे कंपेयर करना है, ये एक्चुअल में ये आनी चाहिए। तो देखते हैं, तो अगर आपने इसे डिफ्रेंशिएट करा, अगर टू एक्स प्लस का एटीन वाई वाई डैश इज इक्वल टू आएगा जीरो, तो मतलब इसका वाई डैश की जो वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस का एक्स अपॉन नाइन वाई आ जाएगी। अगर वाई डैश को एट द पॉइंट फाइंड आउट करें, एट द पॉइंट, तो इसकी वैल्यू हो जानी चाहिए एक्स के, तो क्या बेटा माइनस, यहाँ पे देखते हैं थ्री रूट थ्री डिवाइड बाई टू है डिवाइड बाई नाइन वाई, तो नाइन बाई टू हो गया, तो टू से टू कट गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो माइनस का वन बाई रूट थ्री आ जाएगी। ओके, ये केस बनता हुआ दिखेगा, और उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मतलब ये हो गया कि हमारे पास वो इक्वेशन होगी वाई माइनस का वाई वन, वाई वन की वैल्यू है वन बाई टू इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होता है माइनस का वन बाई रूट थ्री, एक्स माइनस का थ्री रूट थ्री डिवाइड बाई टू हो जाएगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो चेक कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू जो होगी टू वाई माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू आएगा माइनस वन अपॉन टू रूट थ्री, और ये आएगा टू एक्स माइनस थ्री रूट थ्री आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा। और इसके बाद तो आसान सी चीज़ है कि मतलब आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, टू से टू कट जाएगा और ये वैल्यू आएगी टू रूट थ्री वाई माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू आएगा माइनस टू एक्स और प्लस थ्री रूट थ्री आ जाएगा। ट्रांसफर कर दीजिए तो बेटा आएगा हमारे पास टू एक्स प्लस टू रूट थ्री वाई, और ये आएगा माइनस का फोर रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स प्लस का रूट थ्री वाई और माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू आएगा जीरो। और ऐसी शायद इक्वेशन हमें दी हुई थी, मतलब हमको फर्स्ट को ही चेक करते ही वैल्यू हमारे पास आ गई है, ठीक है, यही आंसर था हमारे पास, तो हमारे पास आंसर इसको मैच करता हुआ, मतलब हमारे पास कौन सा आंसर आ जाना चाहिए था, हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट था।
जिसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी टेंजेंट की इक्वेशन यदि क्वाड इक्वेशन है उससे मैच कर जाएगी। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ गई है कि आपको क्या करना होता है, कि आपको ऑप्शन से लेकर के डिफ्रेंशिएट करके चेक कर लेना होता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट इज अ मैथमेटिकल रीजनिंग। और इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। जब भी मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन आता है तो आपको लगता है कि बस अब तो ये हो ही जाना है, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है बेटा, निगेशन निकालना। निगेशन का मतलब सीधा सा कि हमने निगेशन करना है और कंडीशन दी है निगेशन ऑफ पी एंड पी आर क्यू दिया गया, ठीक है ना। तो ये एक स्टेटमेंट है और एक स्टेटमेंट आपके पास ये है, तो इसका स्टेटमेंट को अगर हम निगेशन करेंगे तो निगेशन से निगेशन क्या हो जाता है बेटा, पी हो जाता है, एंड की जगह आर हो जाता है, और यहाँ पे निगेशन आ जाएगा। तो निगेशन ऑफ पी आर की जगह एंड हो जाएगा और निगेशन ऑफ क्यू आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा था तो हमें क्या करना है, इसे एक स्टेप आगे लेके जाना है। तो यहाँ पे हम इसे एक्सपेंड कर देते, पी आर निगेशन पी कर दिया, किसी पर देखो बेटा एंड पे हुआ है, और यह आ गया पी आर निगेशन क्यू आ गया। पी आर निगेशन पी का मतलब हमेशा क्या होता है, टोटोलॉजी होगा, एंड यहाँ आएगा पी आर निगेशन क्यू। अब एक चीज़ देखिएगा, टोटोलॉजी एंड स्टेटमेंट, एंड स्टेटमेंट है तो अगर ये फॉल्स होगा तो रिजल्ट फॉल्स आएगा, ये ट्रू होगा तो रिजल्ट ट्रू होगा, मतलब डिपेंडेंसी किस पे आ गई, इस पे आ गई, तो इसका रिजल्ट आएगा पी आर निगेशन क्यू। तो दिस इज आवर आंसर, ठीक है ना। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और यह क्वेश्चन दिया गया, एक क्वेश्चन ऑफ प्लेन पासेज, मतलब एक प्लेन है इस पॉइंट से पास करिए, एंड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ द प्लेन्स दिस एंड दिस, मतलब हमें इक्वेशन ऑफ प्लेन फाइंड आउट करनी है जो कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और इस पॉइंट से भी पास कर रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन होती है उसको आसान करने के लिए क्या कर देते हैं बेटा, जहाँ पे आई जे के होता है वहाँ पे क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन, एक प्लेन की इक्वेशन हो गई है, इसे पी वन मान लीजिए। और अगर हम यहाँ देखें तो यह आएगा एक्स माइनस टू वाई और प्लस का टू इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी टू। ये दो प्लेन है, इनके इंटरसेक्शन से पास होने के लिए प्लेन की इक्वेशन होती है पी वन प्लस का लैम्डा पी टू इज इक्वल टू जीरो, ये आपको पता है। तो सिंपल सा केस ये है बेटा कि हम इसे लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन प्लस लैम्डा, और ये होगा एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो। एंड दिस वन पासेज, पासेज कहाँ से पास होगी बेटा, वन जीरो टू से पास होगी, सेटिस्फाई करा दीजिए। तो वन और टू थ्री हो गया, थ्री थ्री माइनस वन टू हो जाएगा, टू आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस का यहाँ देखा जाए जगह वन ये जीरो हो चुका है थ्री, तो प्लस का थ्री लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई है वो माइनस का टू बाई थ्री आ जाएगी। तो अगर हम इस इक्वेशन को यहाँ पे पुट करें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस वन और माइनस टू बाई थ्री, और ये आएगा एक्स माइनस टू वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो आ जाना चाहिए। थ्री अगर देखें तो यहाँ देखिएगा थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स, मतलब एक्स आ जाएगा, थ्री वाई और प्लस का फोर वाई, मतलब ये आ जाएगा नाइन वाई, ठीक है ना, नाइन हो जाएगा ध्यान रखिएगा। और थ्री जेड, यहाँ पे जेड नहीं तो यहाँ पे आ गया थ्री जेड आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस थ्री है और ये आएगा माइनस का फोर, माइनस थ्री माइनस फोर मतलब माइनस का सेवन इज इक्वल टू जीरो। मतलब अगर हम इसे डॉट के फॉर्म में लिखें तो आर डॉट, ये आया था आई प्लस नाइन जे प्लस थ्री के इज इक्वल टू आ गया था सेवन। तो ये हमारा आंसर था, ठीक है, इसको आप ऑप्शन में मैच करा सकते थे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है बेटा। ओके, नेक्स्ट देख लिया जाए। तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन दिया गया था ए इज अ थ्री क्रॉस थ्री सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया गया था, मतलब इसका है कि ए इज इक्वल टू ए रेस्ट पावर टी है, एंड अब बी इज अ थ्री क्रॉस थ्री स्क्यू सिमेट्रिक दिया था, तो बी रेस्ट पावर टी इज इक्वल टू माइनस बी दिया गया है, ठीक है ना। और एक्स बी अ थ्री क्रॉस वन मैट्रिक्स देन इक्वेशन दिस इज इक्वल टू जीरो हैज और है। अब सर पूछा गया था नंबर ऑफ सोल्यूशंस के बारे में, तो एक सिंपल सा केस ये बेटा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो सारी की सारी डिपेंडेंसी आपकी इस पे आ जाती है, ठीक
ठीक ना, इसकी वैल्यू पे आ जाती है। तो इस अगर इसको हम लोग चेक कर ले तो अपना काम बन जाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं ये जो मैट्रिक्स दे रखी है, ये जो मैट्रिक्स है, ये मान लीजिए कोई मैट्रिक्स टी है, ठीक है ना, ये मैट्रिक्स क्या दे रखी है, टी दे रखी है, और ये जो दिया गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर दिया गया है। अब एक चीज़ देखिएगा, इन दोनों की पावर इवन है, ए और बी दोनों की पावर इवन है। तो जब इवन होती है पावर, तो आपके पास मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, आपके मैट्रिक्स सिमेट्रिक ही आती है। पावर क्या होगा बेटा, टू होगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक आती है। तो सिंपल सा तरीका ये है कि टी है, आप इसका सिमेट्रिक अगर निकालना चाहें तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। बी स्क्वायर ए स्क्वायर है, इसका सिमेट्रिक निकालना है, तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर का सिमेट्रिक और माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर का सिमेट्रिक, और सिमेट्रिक हो गया तो रेसिप्रोकल हो जाते बेटा ये, तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर होगा माइनस का बी स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। मतलब स्क्वायर से इसकी सेहत पर कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये माइनस हो गया, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास दिया गया है ये मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक है, सॉरी स्क्यू सिमेट्रिक है। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। डिटर्मिनेंट जीरो होता है मतलब इसकी जो वैल्यू है वो ऑलवेज भी क्या होगी, अगर ये जीरो है मतलब इसका अगर डिटर्मिनेंट देखें तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जीरो, अगर इसका डिटर्मिनेंट जीरो है, ठीक ना। जब जीरो का केस आ जाता है यहाँ पर, तो आपको ये पता है कि अगर यहाँ पे जीरो है और यहाँ पे जीरो, तो एक्स कुछ भी हो जाए, एक्स यहाँ पे कुछ भी आप रख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर कुछ भी रख सकते हैं तो इसका मतलब है सोल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे। जब कुछ भी के बारे में बात होगी तो सोल्यूशंस होंगे इनफाइनाइट, और यही हमारा ऑप्शन था। ओके, बात समझ में आ गई, नेक्स्ट देखा जाए। तो बात करें बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की, और क्वेश्चन दिया गया था इफ इफ क्वेश्चन दिया गया है इफ डिटर्मिनेंट दिया गया बेटा आपके पास, और समझिएगा डिटर्मिनेंट दिया गया और एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू वन दिया गया, एफ डेस ऑफ जीरो इज इक्वल टू दिया गया, देन आपके पास एफ ऑफ वन बिलोंग टू दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा तरीका देखते हैं इसका, कि अगर हम इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करें तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है कुछ ऐसी आ रही है बेटा, एफ एक्स हमने वाई लिख लिया, समझिएगा ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू है, और माइनस का इसे देखा जाए तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है और इज इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। अब आपके पास इन वैल्यूज का यूज भी करना है, तो देखते हैं इसको, पहली बात तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, तो इसे सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि अगर आप इसे देखें तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको इस टाइप से कुछ लिखें डी बाई डी एक्स ऑफ वाई अपॉन डी वाई बाई डी एक्स लिखें, तो डिफरेंशिएट इसका हो जाना चाहिए। चेक कीजिए, अगर हम डिनोमीटर का होल इसका करें और फिर क्या करें वाई को कॉन्स्टेंट रखें, इसको डिफरेंशिएट करके तो ये आएगा माइनस, जब हमने इसे कॉन्स्टेंट रखा वाई को डिफरेंशिएट करके तो ये आएगा, मतलब ये जो है वो डिफरेंशिएशन ऑफ दिस है, ठीक है। मतलब ये हो सकता है कि अगर आप इसे आप इंटीग्रेट करें, डी एक्स को इधर भेज दीजिए, क्या करें डी एक्स को इधर भेज दीजिए, इंटीग्रेट कर देते हैं, तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए थी, यहाँ पे वैल्यू आएगी y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अगर आपने इंटीग्रेट किया डी एक्स को भेज करके, तो यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा। मतलब ये जो y है, y का मतलब क्या हो गया बेटा, एफ ऑफ एक्स हो गया, इज इक्वल टू c के साथ जो आ गया वो एफ ऑफ डैश एक्स हो गया। जैसे ही x की वैल्यू को जीरो पुट करेंगे हमें c की वैल्यू मिल जानी चाहिए, तो यहाँ पे जीरो पुट किया तो यहाँ पे आएगा वन c और यहाँ आएगा टू, मतलब c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी वन बाई टू, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है एक्चुअल में, वो इक्वेशन कुछ ऐसी है, वाई इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू, और इसकी वैल्यू क्या बेटा डी वाई बाई डी एक्स है। अभी हमें इसे भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपको एफ वन की वैल्यू निकालनी है, ध्यान रखिएगा एफ वन की वैल्यू। तो इसको कैलकुलेट करने का मतलब ये है कि हमने क्या कह दिया कि डी एक्स टू डी एक्स इधर लिख लिया, टू डी एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन वाई डी वाई लिख लिया, ना इंटीग्रेट कर दीजिए फिर से, तो यहाँ पे आएगा टू एक्स आएगा इज इक्वल टू आएगा एल एन वाई और प्लस का कांस्टेंट मान लेते के, ठीक है ना, एल एन वाई। अब एक काम करते हैं, एक्स की वैल्यू जब जीरो थी, ध्यान से देखिएगा एक्स की वैल्यू जब जीरो है, यहाँ पे दिया गया ना एक्स अगर जीरो है तो वाई की वैल्यू क्या है, वन है। इस चीज़ को देखिएगा, एक्स जीरो है वाई की वैल्यू वन है, मतलब एक्स की वैल्यू अगर हमने जीरो पुट कर दी तो वाई की वैल्यू आ गई वन।
तो एक्स अगर जीरो पुट किया तो वाई क्यू वन, तो वन पे वन पे नहीं क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मतलब के क्यू क्या आ गया, जीरो आ गया, मतलब एल एन वाई इज इक्वल टू आ गया आपके पास टू एक्स, मतलब वाई की वैल्यू जो आएगी वो ई रेस्ट पावर टू एक्स जाएगी, ठीक है ना। अब आपसे कहा गया एट एक्स इज इक्वल टू वन, एट एक्स इज इक्वल टू वन देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी, ई स्क्वायर आ जाएगी, और ई स्क्वायर का मतलब हो गया 2.7 अप्रोक्सीमेट का स्क्वायर कर लीजिए और जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके पास आंसर आ जाएगा कि किसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। ओके ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। फाइंड आउट पॉइंट ऑन कर्व, इस कर्व पे एक पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए कहा गया था और जिसकी शॉर्टेज डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन, ये कहा गया था। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा होता है बेटा, कि अगर एक पैराबोला दिया गया है, ये पैराबोला कुछ इस टाइप से बना दिया मैंने, ठीक है ना, इस पर कोई पॉइंट है जिस पॉइंट से आपको, ये मान लीजिए पी दिया गया है, एक्स वन कामा वाई वन दिया गया है, और इस पॉइंट से एक लाइन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालते। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब होता है कि इस लाइन पर, सॉरी इस पॉइंट पर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करें विच इज़ पैरल टू दिस लाइन, इस लाइन के पैरल होनी चाहिए। अगर पैरल होगी तभी हम इसके बीच की डिस्टेंस जो निकालेंगे वो शॉर्टेस्ट निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालेंगे। तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि ये जो लाइन है और इस लाइन के बीच की क्या होना चाहिए, पैरल होना चाहिए। ये पॉइंट मान लीजिए एक्स वन कामा वाई वन दिया गया, तो हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल देते बेटा, डी वाई बाई डी एक्स निकाल दिया, इसके लिए कि टू एक्स या एक्स वन मान लेते हैं एट द पॉइंट, मान लीजिए एक्स वन कामा वाई वन, और ये किसके पैरल है, ये पैरल है आपके वाई इक्वल टू फोर एक्स माइनस वन, तो इसका स्लोप कितना है, फोर है, मतलब आपको एक्स वन की जो वैल्यू मिल गई वो मिल गई टू, एंड दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व, तो यहाँ से वाई वन की जो वैल्यू मिल जाएगी वो मिल जाएगी आपको एट, ठीक है ना, मिल जाएगी ना टू और फोर प्लस फोर एट, एंड दिस पॉइंट लाई ऑन द कर्व, तो यही आपके पास आंसर था, ठीक है ना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देख सकते हैं। चलिए भाई बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है बेटा, ए प्लस अल्फा इज इक्वल टू वन दिया हुआ था, बी प्लस बीटा इज इक्वल टू दिया गया था, और ये कंडीशन दी गई थी। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिख जाता है तो आपको एक चीज़ तो याद आ जाती है कि भाई एक्स की जगह आपको वन अपॉन एक्स रिप्लेस करना होता है, और उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखते हैं, मान लीजिए अगर पहले एक्सप्रेशन में जो दिया गया वो एक्स की जगह अगर हमने वन अपॉन एक्स को रिप्लेस किया तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी ए के साथ आएगी एफ ऑफ वन अपॉन एक्स आएगी और प्लस अल्फा एफ ऑफ एक्स आ जानी चाहिए, और ये वैल्यू आएगी बी अपॉन एक्स प्लस का बीटा आ जाएगी, ठीक है ना, ये फर्स्ट मान लीजिए उसे सेकंड मान लीजिए, और एक काम करिएगा हमें इन दोनों को ऐड कर लेना है, दोनों क्या कर लेना बेटा, ऐड कर लेना, ऐड करते ही आपको एक चीज़ दिख जाएगी, देखिएगा ध्यान से, इन दोनों से अगर हमें ए कॉमन ले लेते हैं तो ए कॉमन ले लिया और आपके पास आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स आ गया है। सेम मैंने अगर हमने यहाँ से अल्फ़ा कॉमन ले लिया तो अल्फ़ा भी कॉमन आ जाएगा और ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस का एफ ऑफ वन अपॉन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू, अगर हमने इनमें से देखा तो बी कॉमन हो गया, ये आ गया एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स आ गया, और प्लस का अगर यहाँ से बीटा कॉमन लिया तो ये आएगा वन अपॉन एक्स प्लस का एक्स आ जाएगा। इससे एक चीज़ बहुत अच्छी दिख रही होगी आपको, ये चीज़ें मैच करती हुई दिख रही हैं, ये कॉमन आ गया आपके पास तो ये आ गया ए प्लस अल्फा के साथ आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वन अपॉन एक्स आ गया, और इज इक्वल टू आ गया यहाँ से अगर एक्स प्लस का वन अपॉन एक्स कॉमन लेंगे तो अगर बी प्लस का बीटा आ जाएगा। आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो इधर डिवाइड करने की है, इसका मतलब ये है कि ये बी प्लस का बीटा हो गया और डिवाइड बाई ए प्लस अल्फा हो गया, और ये वैल्यू टू थी और ये वैल्यू वन थी, इसका मतलब है इसका आंसर क्या गया था, टू आ गया था। ओके नेक्स्ट देखिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन प्लस टू एन प्लस वन सी टू प्लस का दिस वन, इसकी वैल्यू पूछी गई थी। अब इसकी वैल्यू कैसे बतानी है हमें, तो सिंपल सा केस ये था बेटा कि अगर आपके पास ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि टू सी टू थ्री सी टू फोर सी टू ये वैल्यूज एक्चुअल में आ कहाँ से रही हैं। तो अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर बेस देखा जाए तो बेस कांस्टेंट आ रहा है बेटा यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है वह एक्स की पावर टू के कोएफिशिएंट्स हैं। तो ये जो है ना, इसके बारे में अगर हम लोग डिटेल डिस्कस कर लें तो अगर मान लीजिए ये जो है, यह है वन प्लस एक्स स्क्वायर में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन एक्सप्रेशन ऑफ दिस, एंड इसके लिए बात की जाए तो वन प्लस एक्स का क्यूब हो जाएगा
प्लस ऐसे ही सारी वैल्यू जाएंगी 1 प्लस एक्स रेस्ट पावर एन, ठीक है ना। इन सभी एक्सप्रेशन में आपको एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट निकालना है। इसका मतलब है कि अगर हम इसे कैलकुलेट कर ले तो ये आएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉमन हो गया बेटा, ये जीपी है तो इसका कॉमन रेशियो आएगा 1 प्लस एक्स आएगा, और नंबर ऑफ टर्म्स देखे जाए तो एन माइनस वन है, और माइनस का वन आएगा और डिवाइड बाय आएगा 1 प्लस एक्स माइनस वन आएगा, जीपी लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो वैल्यू अगर आप देखें तो ये आएगा 1 प्लस एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन, मल्टीप्लाई भी किया, माइनस 1 प्लस एक्स रेज टू पावर टू आएगा और डिवाइड बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बारे में बात करनी है, तो देखिएगा हम अगर इसे एक्सपेंड करें तो यहाँ पे आएगा एन प्लस वन सी थ्री लेना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर एक्स क्यूब का कॉफिशेंट निकालेंगे तो डिवाइड बाई एक्स है, तो एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट आ जाएगा, और अगर हम इसे डिवाइड करें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कॉफिशेंट नहीं आ सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें एक्स स्क्वायर आएगा, डिवाइड बाई एक्स होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का मतलब केवल आपके पास ये है। तो अगर हम इस पूरे को कैलकुलेट करें तो आगे देखते हैं क्या आना चाहिए। हमारे पास इस एक्सप्रेशन का मतलब बच गया एन प्लस वन सी टू प्लस टू टाइम्स एन प्लस वन सी थ्री आ जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे कैलकुलेट करना है, तो इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि एन सी आर प्लस का एन सी आर माइनस वन की जो वैल्यू थी वो थी एन प्लस वन सी आर। तो हम लोग इसे ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, एन प्लस वन सी थ्री प्लस का एन प्लस वन सी टू प्लस का एन प्लस वन सी थ्री, इसको टू टाइम्स लिख दिया। अब इसको अगर हम कंपेयर करें तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में है एन प्लस का टू सी थ्री है और प्लस एन प्लस वन सी थ्री है। अब आप इसे सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये आएगा एन प्लस का टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल, और इससे आप इसे माइनस करेंगे तो आएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल, और प्लस अगर हम इसे देखें तो ये आएगा एन प्लस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल एंड एन माइनस का टू फैक्टोरियल, ओके। चलिए तो इसके बाद की बात कर लेते हैं, इसके बाद में क्या होना चाहिए, तो ये आना चाहिए था एन प्लस टू आएगा, एन प्लस वन आएगा और एन आ जाना चाहिए, और डिवाइड बाई सिक्स तो होगा ही, और प्लस यहाँ से देखा जाए तो ये आएगा एन प्लस वन एन और एन माइनस वन आ जाएगा और डिवाइड बाई सिक्स होगा, ठीक है। तो वैल्यू आ जानी चाहिए आपके पास यहाँ से एन एन प्लस वन, अगर आपने कॉमन ले लिया डिवाइड बाई सिक्स कॉमन आ गया तो बच गया एन प्लस टू और एन माइनस वन, तो इसका मतलब हो गया टू एन प्लस वन, ओके। तो दिस इज द आवर आंसर, तो यही आपने लगाया होगा आई होप, ओके। नेक्स्ट देखते हैं बेटा।